केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र में नशा मुक्ति अभियान के तहत बाइक रैली को हरी झंडी दी है। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने युवाओं को हेलमेट वितरित करने के साथ खुद बाइक चलाई। इस अवसर पर युवा मोर्चा के सदस्य और स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस रैली में करीब 2000 युवाओं ने हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखना जरूरी है, सड़क हादसों में कमी लाना जरूरी है, साथ ही जागरूकता बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमने नशा मुक्त सुरक्षा युक्त अभियान चलाया है और युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं कि नशे से दूर रहें, इसलिए खेल महाकुंभ चला रहे हैं। साथ ही बताया कि सड़क दुर्घटनाओं से बचे, इसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नशा मुक्त सुरक्षा युक्त अभियान ये प्रदेश के युवाओं को जागरूक करने के लिए है, नशा मुक्ति अभियान से जुड़ने के लिए है, नशों से दूर रहने के लिए है, ताकि समाज, देश सबको हम बचा सकें, अपनी युवा पीढ़ी को खोखला होने से बचा सकें और उनको राष्ट्र निर्माण में लगा सकें। जब ये जाएंगे अपने अपने गांव में, तब इस अभियान के बारे में बताएंगे, अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर डालेंगे, आप मीडिया में छापेंगे कि नशे मुक्ति के खिलाफ अनुराग ठाकुर ने अभियान चलाया है, लोगों को जागरूक करना है। और इसके साथ हमने सुरक्षा युक्त इसलिए क्योंकि सड़क दुर्घटना से बचें, जैसा भाई विजय जी ने भी कहा कि हमें सड़क दुर्घटनाओं से अपने युवाओं को बचाना है, हेलमेट पहनना जरूरी है, सड़क के नियमों का पालन करना जरूरी है, हमें रैश ड्राइविंग नहीं करनी है। और जब ये हेलमेट एक जैसे पहन के चलेंगे तब लोगों में एक संदेश आता है, क्या पहनना है, क्यों पहनना है, तो उसका संदेश आता है कि नशा मुक्त सुरक्षा युक्त अभियान को चलाएं।